तो हेलो जनता, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आया 11 बजे। आने के बाद सुनो क्या क्या किया मैं। आने के बाद खाना बनाया, खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद लगभग 3 यूनिफॉर्म का शर्ट था, 2 पैंट था और 3-4 टी शर्ट था और नॉर्मल पैंट वगैरह मिला के लगभग 1 बाल्टी कपड़ा धोया। और इतने में 5 बज गया और 5 बजे मुझे फीवर आ गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मैं 2 बार से निजामाबाद जा रहा हूँ और वहां से जैसे ही आ रहा हूँ आते टाइम फीवर आ जा रहा है। तो मैं 2 बार से दवाई खा के आ रहा हूँ। पिछला ब्लॉग में दिखाया था, पिछले ब्लॉग में भी यही हुआ था कि मैं दवाई खा के आया था। तो अभी मैंने आउटडोर के लिए जैसे बोल तो दिया है वहां पे कि भाई साहब आउटडोर दे देना, तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है दे देंगे, तुम्हारा नाम डाल देंगे। तो आउटडोर के लिए ऐसे चार्ट आता है, तो जैसे ही चार्ट आता है तो मैं बताता हूँ कि चार्ट में क्या है, मेरा नाम डाला गया है नहीं डाला गया। तो नहीं डाला गया होगा तो जहाँ तक उम्मीद है कि मुझे सीक करना पड़ सकता है, क्योंकि रियली में फीवर आ रहा है। तो ऐसे जहाँ तक उम्मीद है कि मिल जाएगा। और उस ड्यूटी का यही फायदा है कि यार्ड में रहूँगा, अगर कुछ ज़्यादा तबीयत खराब होता है, कुछ भी होता है, तो कम से कम दवाई तो ले सकते हैं। क्योंकि अगर लाइन पर रहेंगे तो दवाई लेना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और खाने के बाद भी वहाँ पर ड्यूटी करने में, मतलब अगर फीलिंग वेल नहीं आता तो ड्यूटी अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये सिंपल सा बात है। तो देखते हैं, विजय विवेक दोनों गया हुआ है मार्केट, कुछ लाएगा खाने वाने के लिए, दवाई भी लाएगा। और एक भाई ने ऐसे कमेंट करके पूछा था कि भाई आपका सपना पूरा हो गया, तो मैंने बोला था कि नहीं यार मेरा सपना कुछ और था। तो उन्होंने पूछा क्या था, मैं ऐसे रियली बताऊँ तो मैं एक रोस्टर बनना चाहता था, क्योंकि मुझे बेइज्जती करने में बहुत मज़ा आता है। तो वैसे मैं रोस्टर बनना चाहता था और मैं हो सकता है कि एक रोस्टिंग चैनल स्टार्ट करूँ। तो ज़रा बताना किसको किसको मेरा रोस्टिंग देखने में पसंद है और किसको किसको 18+ देखना है और किसको किसको 18+ नहीं देखना है, वो भी कमेंट करके बताना। तो ठीक है, अभी जैसे ही चार्ट आएगा तो अपडेट दे दूंगा मैं अभी कि चार्ट में नाम आया नहीं आया, कब जाना है। वैसे मैंने 2 बजे का बोला है, हो सकता है सुबह का भी मिल सकता है, 2 बजे का कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिलेगा बेटर रहेगा। ऐसे 2 बजे वाला मिलेगा तो ठीक रहेगा, सुबह जग के नहीं जाना पड़ेगा, कम से कम नींद तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 2 नाइट से रात में मैं नहीं सो पा रहा हूँ। तो 6 बजे रहेगा तो आधे घंटे पहले जगेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि वो तो यहीं पर रहना है, बाहर निकल के नाश्ता वास्ता भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं तुम लोगों से चार्ट आने के बाद। व्हाट्सएप ग्रुप में आता है और अभी चार्ट आ चुका है तो मेरा है, इसमें देखना देखते हैं। तो मेरा इसमें नाम है राजीव राजकुमार और शिफ्ट है सुबह के, फोकस कर ले भाई, सुबह के 6 बजे, मतलब कि सुबह के 6 से 22 बजे तक मुझे करना है। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बस 5:30 बजे जगना पड़ेगा जल्दी से सो के, और यार्ड में ही रहना है। तो ये हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पूरे एम्प्लॉई रहते हैं, मतलब एम्प्लॉई एडेड हैं, रहते नहीं हैं, वो रहते तो अपने रूम पे हैं, ऑब्वियस सब बात है। तो इसमें माने पूरे एम्प्लॉई हमारे एडेड हैं, तो जो भी किसी को मैसेज वैसेज करना होता है, किसी को बात वगैरह करना होता है, सबके लिए कोई मैसेज डालना होता है तो इस ग्रुप में डाला जाता है। तो ये चार्ट वाला मैसेज है और इसी में CC लोगों का भी आता है कि कौन CC कब काम कर रहा है। ऐसे CC लोगों का अलग से कुछ होता है, वो मैं सुबह बताऊंगा रेडी होके आने के बाद। तो चलो ठीक है, अभी तो सुबह 6 बजे जाना है, तो मिलते हैं उसी टाइम। 6 तुम अभी चला उसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है, उसका काम करो, उसको खत्म डालना है भाई, इसका डालने का इंतजार कर रहे। तो हमारा मुर्गा पार्टी होने वाला है, साला बनाने तो आता है नहीं, आज तक तो एक बार भी तुम बनाया नहीं। हमको नहीं बनाने आता तो नहीं बनाते, तुमको बनाने खा भी लेता है, बनाने भी नहीं आता है, यही बोलते हैं साला जिस खाली में था खाओ। इज्जत है ऐसे बोलो। 12 hours later ऐसा सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं बड़ा मुश्किल से जगा था और एक लफड़ा हो गया था कि ये वाला मेरा फ़ोन है जो ये इसका चार्ज थोड़ा कम चलता है तो ये ऑफ हो गया था। मुझे लगा कि मेरा आउटडोर का ड्यूटी किसी और को तो नहीं दे दिया, क्योंकि 2 घंटे पहले कॉल करते हैं। मैंने बोला कि भाई ड्यूटी, तो उसने बोला कि अच्छा 1 घंटे में मैं कॉल करने वाला था। तो अभी मैं आउटडोर जा रहा हूँ, जैसा कि ऑफिशियल ड्यूटी है मैं कल भी बता चुका हूँ। तो इसमें क्या क्या सामान लेके जाया जाता है मैं दिखाता हूँ, बहुत सस्ता सुविधा आराम का चीज़ लेके जाया जाता है, ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं रहता। तो दिखाते हैं।
ये एक टॉर्च, एक पेन लिया जाता है जो कि मेरा पेन बाथरूम में रखा हुआ है, और एक मिनट मैं निकाल लूँ, बताता हूँ बाथरूम में क्यों रखा हुआ है। देखो ये रखा हुआ है, तुम लोग सोच रहे हो कि बाथरूम में पेन रखने का बहुत बढ़िया जगह है, पहुंचा कैसे? तो वो कल यहाँ पे पेन रखा रहता ना, तो जब मैं कल यूनिफॉर्म धो रहा था तो निकाल के ऐसे उधर ही रख दिया था, तो और तो कोई रीजन नहीं हो सकता बाथरूम में पेन रखने का। तो बस एक पेन लिया जाता है और एक पेपर पेज, तो जो मैं लॉबी से ही ले लेता हूँ, ज़्यादातर लोग लॉबी से ही ले लेते हैं, तो बस ये वाला एक पेन और एक टॉर्च। मैं जा रहा हूँ सुबह के 6 बजे, तो 1 घंटे में दिन हो जाना है, तो टॉर्च ले जाने का भी ज़रूरत नहीं है। और सीसी होता है, मस्टर्ड होता है, चाट होता है, और एक कंप्यूटर पर बैठने वाले होते हैं, और एक बार कट इतने टाइप का होता है, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, सुबह 5:30 बजे जगा हूँ, बहुत मुश्किल से खुद को ही ऐसे पकड़ कर जगाना पड़ता है यार सुबह सुबह। तो रेडी तो हो लिए हैं, और मैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म धो के डाला था, और वो बारिश हो भीग गया, तो फिर मैं यहाँ पे देखो प्रेस लगा के ही, और फिर उसको प्रेस कर करके मैं कब से सुखा रहा था, उसके लिए मैं आधे घंटे पहले जगा हूँ, तो प्रेस कर करके सुखाया, तो अभी पहना। तो चलो निकलते हैं, और आने के बाद तुम लोगों को बताते हैं और ऑफिशियल ड्यूटी के बारे में। तो जो रात भर ड्यूटी करता है उसको रूम पे जाने का इतना जल्दी होता है कि जो अभी रात वाला 22 से 6 आउटडोर कर रहा है उसने कॉल किया, भाई आ जा कहाँ है? तो मैं बोला यार अभी 20 मिनट टाइम है। बोल रहा है आ जा, रात में बहुत ज़्यादा काम था इसकी वजह से मैं थक गया हूँ। मैंने बोला ठीक है निकलते हैं, और अभी थोड़ा माहौल ठंडा हो गया तो ठंडा भी लग रहा है यार, मैंने कुछ पहना भी नहीं, मैं सोचा था जैकेट पहनूंगा, उसने कॉल किया तो मैं पहन नहीं पाया। तो जाने का बहुत जल्दी रहता है, वैसे भी सोच लो फुल नाइट 10 से 6, तो बहुत मुश्किल काम है जगना। और अभी चलो एक बहुत स्पेशल आदमी से तुम लोग आज मिलाते हैं, आज मिलाता हूँ तुम लोग एक अच्छे आदमी से, स्पेशल पर्सन से। ये अब मैं अच्छा स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ, तुम लोग मुझे बोलते हो कि बहुत कम उम्र में जॉब लग गया, बहुत कम उम्र में जॉब लग गया, ये मेरे से भी 1 साल छोटा है। असंभव असंभव असंभव। तुम लोग जो बोलते हो विजय विवेक का इंटरव्यू लेना बोलना है तो किसका, क्योंकि ये इंटरव्यू दे भी देगा, इसको एक चाय पिलाएंगे इंटरव्यू दे देगा। और ये मेरे से भी 1 साल छोटा है, एक है कि सेकंड सबसे छोटा, सबसे मतलब अपने बैच में मुझे लगता है सबसे छोटा यही था, फिर इसके बाद मैं। तो अभी ये जाएगा और इसका चार्ज मैं लूंगा, ये रात भर किया है ड्यूटी, चेहरे से तो वो लग नहीं रहा है, और सेम हालत है मुझे, जो सर्दी जुकाम फीवर हो रहा है इसको भी हो रहा है, इसको बोलेंगे चल भाई अब तो निकल, तेरा चार्ज मैं संभालता हूँ, और तुम लोगों को जाके रूम पे बताता हूँ अच्छे से कि ये ऑफिस ड्यूटी में क्या क्या होता है। तो देखो भाई मैं आ चुका हूँ ऑफ करके, और 3 बज गया, वैसे 2 बजे आता हूँ, मतलब 2 बजे वहाँ से ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे मेरा 3 बज चुका है। रीज़न थोड़ा CMS में गड़बड़ हो गया था साइन ऑफ करने में, तो मेरा रिलीवर आया, मैं आ गया, बैंक में कुछ काम था तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया, तो इसके वजह से मेरा थोड़ा सा लेट हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये ODCC ऑफिशियल ड्यूटी, जो भी ऑफिशियल ड्यूटी होता है उसका मैं बताऊंगा। तो मेनली तीन, एक ODCC होता है जो हम लोग ऑफिशियल होता है, एक CC होता है, और एक होता है पावर कंट्रोल का काम, तो तीन होता है ऑफिशियल। तो ODCC में जैसे आज मैं गया था, तो आज सोचो कितना अधिक से अधिक कितना गाड़ी हो सकता है, तीन, एक बॉक्सन था, एक BCN था, और एक था BRN जो स्लीपर चेंज करता है, वो लोड रहता है उस पर, तो वो था। और इसमें क्या होता है कि जो ट्रेन आया उसका लिखना है, जो मतलब जब वो आया जब गया वो टाइमिंग नोट करना है, और कौन लोगों पायलट लेके गए बस इतना लिखना है, और कोई गाड़ी वाड़ी जैसे डिटेन हो रहा है, ज़्यादा देर रुक रहा है स्टेशन पे कुछ खराबी की वजह से, तो उसको नोट करना होता है, जाके देखना होता है क्या हुआ है क्यों ऐसा हो रहा है। ये हो गया ODCC। और CC जो तुम लोग देखते हो ना बेशरम, मैं भी कर चुका हूँ पहले CC का काम, तो कॉल करते हैं 1 बजे 2 बजे कि आ जाओ, तो वो CC का कॉल होता है, वहाँ मेनली काम होता है कि कॉल बुक देना है, एक आ जाओ TN आया, और
पैसेंजर का, गुड्स का, सबका, वो लोग वहाँ पे मैनेज करते हैं। उनको सीसी का फुल फॉर्म होता है क्रू कंट्रोलर, और उनके ऊपर होते हैं चीफ क्रू कंट्रोलर जो ट्रिपल सी होते हैं, जो पूरा लॉबी का काम संभालते हैं। पावर कंट्रोल क्या होता है, तो वो जो उनको कॉल करके बोलता है, हाँ भाई सब ईओटीएन रहा, असिस्टेंट गार्ड और ड्राइवर को बुक कर लो, तो ये होता है कुछ ऐसे। तो तीन मेनली होता है, और उसके अंदर जो लॉबी में जो ट्रिपल सी के पास बैठते हैं उसमें कुछ चार्ट मास्टर वगैरह बनाया जाता है, तो वो भी मेनली सीसी के अंदर ही आ जाते हैं ऑफिशियल ड्यूटी। चार्ट मास्टर वाले क्या करते हैं, तो चार्ट मास्टर वाले ये करते हैं कि चार्ट बनाते हैं, जो मैं अभी इसमें दिखाया हूँ पहले कि चार्ट आया था उसमें मेरा नाम था। तो वो लोग भी अपना ALP लोग ही करते हैं, और मास्टर कि कब कौन अब्सेंट है, कौन लीव पे है, कौन कितना ड्यूटी किया, कितना OT बना, ओवर टाइम किसका, वो सब नोट करके डिवीजन में भेजा जाता है सैलरी के लिए। तो वो भी ALP ही करते हैं। और एक गुड्स जो लोको पायलट होते हैं GLP, उनके लिए भी होता है पावर कंट्रोल में काम। वो लोग कंट्रोलिंग करते हैं कि कब बुक करना है, क्या करना है, वो लोग बोलते हैं। और जो ALP होते हैं वो कॉल करके बताते हैं, या हम लोग अगर कॉल करते हैं तो वो लोग कॉल उठाते हैं। तो ये होता है ऑफिशियल ड्यूटी। और लड़की के लिए जो मैं बोल रहा था कि स्पेशल ड्यूटी का होता है, तो यहाँ पे सीसी का कर सकते हैं, ज़्यादातर लड़के सीसी करती हैं, अंदर मस्टर चार्ट ये सब का करती हैं। और अभी तो मैं आया ड्यूटी से, तो बहुत सारा काम बाकी था मेरे जिम्मे, जैसे कि मैंने कुछ कपड़े वपड़े धोए थे, वहाँ लटक रहा है, फिर और भी बहुत सारा जो कि अभी मुझे लेके जाना है। रात में मैं ड्यूटी जा रहा था तो बोल सूखा नहीं था, और आज मेरे साथ भगवान ने पहला बार इंसाफी वाला काम किया है कि मैं उधर से आ गया तो अभी हल्का हल्का बारिश आ रहा है, और आज पूरा नाइट सोने मिलेगा। मैं बोल के आया हूँ कल भी, क्योंकि अभी तक मेरा फीलिंग वेल तो नहीं आ रहा है, फिर भी ठीक है, मतलब कुछ हद तक ठीक है। आज अभी फीवर जैसा नहीं आया, सुबह सुबह जगा था तो फीवर जैसा आया था, तो अभी तो मैं ठीक हूँ। और ये सारे कपड़े धोना, खाना बनाना, सब चीज़ मैं खुद करता हूँ, ड्यूटी भी मैं खुद ही करता हूँ। तो बात मेरे कहने का मतलब यह है कि तो ये सारे कपड़े धोना, खाना बनाना, जो भी है सब मैं खुद ही करता हूँ। और ऐसा अगर कोई लड़की करती ना कि ड्यूटी कर ली, खाना घर सब संभाल रही है, उसको बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको ये बोला जाता है कि लड़की हो के काम कर रही है, लड़कियों के घर भी संभाल रही है। यार हम भी लड़का हो के ड्यूटी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो हमको भी थोड़ा एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो इस बात पर एक लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते हैं। और एक चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ बहुत बढ़िया तुम लोगों के लिए, वो सरप्राइज़ रहेगा, और मैं सोच रहा हूँ वो जिस दिन 5K हो जाएगा उस दिन उसको किया जाएगा। तो जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियो देखते हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, कुछ अच्छा मिलने वाला है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, उसमें काफ़ी मेहनत भी लगने वाला है। तो अगर मैं वो करूँगा तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलो ठीक है, ये वाले ब्लॉग को इतने पे ही ख़त्म करेंगे, और मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं कपड़े उतार लूँ, क्योंकि भगवान बारिश करना चालू कर दिए हैं। अच्छा, एक बचपन में हम लोगों को बोला जाता था कि भगवान जी जब सुसु करते हैं तो बारिश होता है। ये क्या बात करता है यार, ये किस किस ने सुना है बताना जरा, कि किस किस ने ये सुना है या खुद सोचता था कि जब भगवान सुसु करते हैं तो बारिश होता है। पहले मुझे किसी दोस्त ने या किसने बताया इतना याद नहीं, लेकिन बचपन में मैं सुना था और मैं मानता भी था। अब पता चला नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सब मिथ्या झूठ है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।